तो व्हाट्सएप गाइस, आज एचपी के लैपटॉप की आपको पूरी रिव्यू देने वाले हैं। बैटरी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस और बाकी सारी रिव्यू देंगे कि किस तरीके का ये लैपटॉप परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। तो उसका मॉडल नंबर है 15AY543TU। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 36 से 37,000 के बीच में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। तो जो एचपी का लैपटॉप है, इसके अंदर आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। i3 का 6th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसकी डिस्प्ले साइज की बात करें तो 15.6 इंच की इसकी डिस्प्ले मिलेगी, जो 4 GB रैम के साथ आती है। 64 बिट का आपको प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाएगा, जो 2 GHz पे इसकी स्पीड को क्लॉक की गई है। फ्रेंड, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ नहीं आती है। इसकी रेजोल्यूशन साइज है 1366x768 पिक्सल, यानी जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ 720p की दी गई है। दोस्तों हार्ड डिस्क की बात करें तो 1 TB की हार्ड डिस्क आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और हार्ड डिस्क RPM की बात करें तो 5400 RPM इसके अंदर दिया गया है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इंटेल का HD ग्राफिक्स कार्ड 520 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर फिजिकल लुक की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा, और साथ में 2 USB Type 2 पोर्ट आपको मिल जाएंगे, USB Type 3 पोर्ट मिल जाएगा, एक लैन पोर्ट मिल जाएगा। तो ये है एयर विंड, अगर आपका लैपटॉप हीट होता है काम करते करते तो यहाँ से जो गर्म गर्म हवाएं हैं वो बाहर निकल जाती है। आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, और नीचे की तरफ एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ बात करें तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको DVD राइटर दिया गया है, एक और USB टाइप पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको SD कार्ड रीडर भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करें तो आपको 2 नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, एक पावर वाली दी गई है और एक टास्क मैनेजर वाली देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। आप बात करते हैं फटाफट इसके लुक्स एंड डिजाइन एंड परफॉर्मेंस के बारे में और बैटरी लाइफ के बारे में। तो दोस्तों लुक की बात करूं तो देख सकते हैं आप, काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है, काफी टेक्स्चर्ड लुक दिया गया है यहाँ पे। तो कुछ लाइनिंग आपको इस लैपटॉप पे देखने को मिल जाती है, तो काफी प्रीमियम है, मैं कहूंगा काफी अच्छा लुक एंड डिजाइन इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन एक बुरी बात इसके अंदर ये भी है कि बहुत सारे डस्ट जो है ये लाइन के अंदर जमा हो जाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा इसको केयर से और क्लीन करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड, नजर डालते हैं इसके कीबोर्ड पे, तो देख सकते हैं कीबोर्ड काफी अच्छा दिया गया है, जो कीबोर्ड के बीच की स्पेसिंग है वो भी काफी अच्छे से दी गई है। अगर बटन की बात करें तो आपको बटन के ऊपर भी देखिए कुछ टेक्स्चर्ड देखने को मिल जाएगा, इस तरीके की डिजाइन दी गई है, तो प्रेस करने में भी काफी अच्छा आपको फील मिलता है, और जो स्मूथनेस है वो भी कीबोर्ड की काफी अच्छी दी गई है। स्पेस के मामले में भी कोई कमी नहीं है, आप आराम से इसके ऊपर हाथ रख के काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इसकी इस पार्ट के डिजाइन की, तो ये प्लास्टिक का डिजाइन बनाया गया है, कुछ अच्छी क्वालिटी का, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम या फिर कोई और क्वालिटी का नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो काफी अच्छा प्लास्टिक है, मैं कहूंगा हार्ड प्लास्टिक है, जो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके पीछे की डिजाइन की, तो आपको डुअल स्पीकर इसके साथ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे एक पहला स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा स्पीकर मिल जाएगा, तो 2 स्पीकर इसके अंदर दिए गए हैं। दोस्तों इन ईयर फोन की क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि DTS सराउंड साउंड भी आपको इस लैपटॉप के साथ मिल जाता है। दोनों स्पीकर का जो आउटपुट है काफी लाउड है, बहुत ही अच्छे से आपको साउंड क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक रबर का कुछ प्लेट दिया गया है, इसकी मदद से आप नीचे भी रख के लैपटॉप को काम कर सकते हैं, कोई भी स्क्रैच बाकी के एरिया में नहीं पड़ेगी। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी दी गई है, जो बैटरी लाइफ है काफी अच्छी है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ पावर का सिंबल बनाया गया है और लॉक का सिंबल दिया गया है, तो ये जो है बैटरी का एरिया है। अगर आप इसको इस तरीके से और इस तरीके से लेके जाएंगे तो जो आपकी बैटरी है वो रिमूव हो जाएगी, तो अगर आपको बैटरी निकालना है तो कुछ इस तरीके से आप अपनी बैटरी को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सामने की कैमरे की, तो कैमरे की क्वालिटी इतनी एक्सट्रीमली अच्छी नहीं है, एक HD कैम दिया गया है जैसा बाकी सारे लैपटॉप्स में होता है, तो इतनी अच्छी कैमरे की क्वालिटी भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। एवरेज क्वालिटी का कैमरा है, मैं आपको बताऊंगा एक पिक्स इसके साथ में कि किस तरीके की कैमरे क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड इसे बूट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितने समय में ये बूट हो जाता है और टाइम कितना लगता है इसे स्टार्ट होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है और काफी कम टाइम में मैं कहूंगा ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ ज्यादा टाइमिंग नहीं लगती है इसे स्टार्ट होने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी रेजोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेजोल्यूशन है फुल HD को सपोर्ट नहीं करता है, तो जो
720p की रेजोल्यूशन है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी आप अगर कम लाइट में काम कर रहे हैं तो जो रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती, कुछ ज्यादा पिक्सल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत ज्यादा पिक्सेलेट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। दोस्तों अब आपको बताते हैं एक एप्लीकेशन ओपन करके कि किस तरीके की समय आपको लगती है एक एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो यहां से देखिए मैं अपना वंडर शेयर ओपन करता हूँ यहाँ से कि कितने समय में ये स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको बताऊं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी नजर आई मुझे इसके अंदर, क्योंकि मैंने AMD लैपटॉप की जो थे उसके साथ में अपनी एडिटिंग करनी चाही तो काफी हैंग और लैग नजर आ रहा था मुझे। लेकिन जो विंडोज 10 के साथ मैंने अगर इसे यूज किया है, एडिटिंग की है, तो काफी स्मूथ एडिटिंग इसके साथ मुझे देखने को मिली। कोई लैग या फिर मैं कहूंगा कोई भी हैंग मुझे नजर नहीं आया इस लैपटॉप के साथ में, तो काफी स्मूथली परफॉर्म कर जाता है। कभी कभी कुछ ज्यादा मल्टीटास्किंग करने की वजह से थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने मेरा जो वंडर शेयर है वो काफी जल्दी ओपन हो गया, और एडिटिंग की बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छे से इसके अंदर एडिटिंग मुझे करने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 51% की बैटरी लाइफ रिमेनिंग दिखा रही है, तो काफी ज्यादा बैटरी लाइफ इसके साथ मुझे देखने को मिल जाती है। और इसे चार्ज करने का जो टाइम है वो लगभग 90 to 100 मिनट्स है। ये 100 मिनट्स में फास्ट चार्ज हो जाता है लैपटॉप, तो मुझे लगता है काफी फास्ट ये लैपटॉप चार्ज हो जाता है। तो बैटरी लाइफ मैं कहूंगा काफी अच्छी दी गई है इसके साथ में। आपको अगर एडिटिंग कर रहा हूं तो मैं 3 से 4 घंटे तक इसे कंटिन्यूसली यूज कर सकता हूं, फिर भी बैटरी लाइफ काफी अच्छे से देखने को मिल जाती है। अगर आप सर्फिंग कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो आपको जरूर से बैटरी लाइफ 5 से 6 घंटे की देखने को मिल जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो बैटरी है वो काफी फास्ट चार्ज भी हो जाती है, और डिस्चार्ज होने के लिए इसे काफी कम समय का वक्त लगता है। तो मैं कहूंगा बैटरी लाइफ के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसके साथ देखने को आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस को। सीपीयू दिया गया है इंटेल का i3 6th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, और 2 GHz पे इसकी स्पीड को क्लॉक की गई है। यहाँ से आप बाकी सारी डिटेल्स भी इसकी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करूं इसके मेमोरी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी कुछ इस प्रकार दी गई है। 4 GB की रैम मिलती है और 3.9 GB की मैक्सिमम है आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड, क्या क्या आपको कैचे फाइल आपको देखने को मिल जाती है, तो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी गई है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए होम एंड स्टूडेंट वाला लैपटॉप है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छे से इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। अगर आप हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये लैपटॉप को इग्नोर कर सकते हैं और कोई गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं जिसके अंदर 8 GB की रैम हो, i5 का प्रोसेसर हो। तो ये सारे लैपटॉप्स गेमिंग के लिए काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक गेम खेलना है इसके ऊपर तो डेफिनेटली इजीली ये हैंडल कर लेता है, लेकिन हाई एंड गेम में थोड़ी दिक्कत इसके अंदर आ जाती है क्योंकि स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इसके साथ देखने को नहीं मिलती है। तो बैटरी लाइफ मैं कहूंगा काफी अच्छी है, गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और बाकी सारे काम करने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए और बाकी जो छोटे मोटे काम आप करना चाहते हैं, सर्फिंग करना चाहते हैं, कुछ वीडियोज देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, गेम खेलना चाहते हैं छोटे मोटे, तो मैं कहूंगा ये लैपटॉप काफी अच्छा रहने वाला है एट अ प्राइस ऑफ 36 to 37,000। तो फ्रेंड्स अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं इस लैपटॉप के साथ में, तो काफी महीने मैंने इसे यूज कर लिया, कम से कम 1 महीना तक मैंने इसे यूज किया होगा। अब मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूं, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कमी नहीं आती है। हालांकि कभी कभी थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है अगर ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहा हूं तो, लेकिन बाकी टाइम में बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसके साथ देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सामने के कैमरे की क्वालिटी किस तरीके से आपको देखने को मिलती है, तो मैं कहूंगा काफी ज्यादा ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि जो कैमरा है वो इतना अच्छे से सेटअप नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, इतनी अच्छी एक्सपेक्टेड है जैसी आप सोच रहे हैं उस तरीके की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी सामने के कैमरे से देखने को मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आपको बताते हैं कि बाकी सारी चीजें इस लैपटॉप के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, बैटरी लाइफ और मल्टीटास्किंग, परफॉर्मेंस, एडिटिंग, बाकी सारी चीजें इस लैपटॉप के साथ बहुत ही कमाल की दी गई है। अगर गेमिंग पार्ट को निकाल दे, अगर हैवी गेमिंग की बात करें तो उसे छोड़ के जो लाइट गेमिंग है वो भी काफी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, फुल HD का नहीं है, फिर भी 720p के साथ भी काफी अच्छी स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। दोस्तों अगर आपका कुछ भी सवाल है इस लैपटॉप को लेके, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं इस लैपटॉप के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। टिल देन मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।